हेलो गाइस, आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजू जी में। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, एक हमारे पास फॉर्क है रेंजर साइकिल का, ये देखिए एकदम अच्छे से देख लीजिए। तो ये फॉर्क को हम फुल न्यू बनाने वाले हैं। अगर आप अपना साइकिल को, पुराना साइकिल को अगर न्यू बनाना चाहते हैं तो कलरिंग किस तरह से करना है, किस तरह से किया जाता है, आज की इस वीडियो में हम आप लोग को अच्छे से बताएंगे और दिखाएंगे ये फ्रॉक का माध्यम से। ठीक है, ये जैसा कि आप चिमटा देख पा रहे, इसे चिमटा भी बोला जाता है और फ्रॉक भी बोला जाता है साइकिल का। क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरह से ये फॉर्क जो है पुराना से न्यू होगा, कैसे करना है, तो शॉर्ट में हम आप लोग को बताएंगे। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए पूरा कंप्लीट देखिए, वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल रहेगा आप लोगों के लिए। तो चलिए, आप लोग का कीमती समय ज़्यादा ना लेते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग को अच्छे से दिखाते हैं ये फॉर्क किस तरह से एकदम न्यू होगा और इसका जो ग्लेजिंग रहेगा, जो लाइटिंग रहेगा, जो शाइनिंग रहेगा, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। चीज़ हम आप लोग को पहले क्लियर कर देते हैं, कलरिंग करने के बाद जो शाइनिंग आता है, वो शाइनिंग लाने का एक तरीका होता है, वो क्या होता है हम आपको यही वीडियो में बताएंगे। तो शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखें, जैसा कि हम आप लोग को बताएं। तो चलिए वीडियो का शुरू करते हैं। साइकिल हो या फिर साइकिल का कोई भी ऐसा पार्ट्स हो, अगर आप न्यू बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना, सबसे पहले इस तरह का एक पत्ती ले लेना है, जुगाड़ वाला, ठीक है, कोई भी पत्ती होना चाहिए। तो हम आरे ब्लेड लिए हैं, ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं। तो आपको सारा कलर को इस तरह से घिस के निकालना है, ये देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए। तो इस तरह से आपको एकदम कलर को जो है क्लीन कर लेना है, जैसा कि देख पा रहे हैं। तो चलिए हम फटाफट कर लेते हैं, फिर आप लोग को आगे दिखाते हैं और बताते हैं। सो गाइस, जैसा कि देख पा रहे हैं, हम सारा कलर को एकदम अच्छे से छुड़ा लिए हैं। तो इस तरह से आपको जो सारा कलर को छुड़ा लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह का सीरीज पेपर लेना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगा, जहाँ पर रंग पेंट का दुकान है, 100 रुपये का लेके आना है और कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट सीरीज पेपर भी कर लेते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं और बताते हैं। इस तरह से आपको एकदम अच्छे से सीरीज पेपर कर लेना है। और एक चीज़ बताना चाहेंगे, जैसा कि देख पा रहे हो, थोड़ा थोड़ा कलर जो है सब जगह में रह गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर छुड़ा पाते हैं तो अच्छा रहेगा, और नहीं छुड़ा पाते हैं तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, ये माइनर, ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ पपड़ी छुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ये चीज़ का ध्यान दें कि पपड़ी जो होता है वो छुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कलर जो है पपड़ी छोड़ देता है, तो उस सिचुएशन में आपको पूरा रिमूव कर लेना है कलर को, ठीक है। तो हमारा पपड़ी छुड़ा हुआ नहीं है, तो इस सब जगह में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है छुड़ाने में, तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए हम इतना छोड़ दिए। तो आप लोग को भी छोड़ देना है, अगर होता तो पूरा रिमूव कर लें। चलिए अब क्या करना है आप लोग को आगे बताते हैं। हाँ, जहाँ ऑयल का मात्रा रहेगा, ठीक है, ग्रीस ऑयल का मात्रा रहेगा, वहाँ पर आपको जो है घासलेट ऑयल से, केरोसिन ऑयल से या फिर तारपीन ऑयल से आपको इस तरह से साफ कर लेना, ठीक है। इस तरह से साफ करने के बाद आपको क्या करना है, कोई भी सूखा कपड़ा लेना है और इस तरह से एकदम आपको अच्छे से साफ कर लेना है। ये देखिए, तेल हमारा रिमूव हो गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस तरह से आपको कर लेना है। जुगाड़ में थोड़ा सा आपको पानी लेना है, जैसा कि देख पा रहे हैं, ठीक है, और आपको डिटर्जेंट लेना है इस तरह से, ठीक है, डिटर्जेंट पाउडर ले लेना थोड़ा सा। तो पानी हमारा ज़्यादा हो गया, ये देखिए पानी हम कम कर दिए, और डिटर्जेंट आपको ले लेना है अच्छे से, ये देखिए डिटर्जेंट भी हम ले लिए। उसके बाद आपको जो है ना कोई भी फ्रेश एक कपड़ा लेना है और इस तरह से कपड़ा में भिगाना है, और इस तरह से जो आपको फ्रॉक को जो है अच्छे से डिटर्जेंट से साफ कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। तो चलिए फटाफट पहले हम फ्रॉक को साफ कर लेते हैं डिटर्जेंट से। डिटर्जेंट से साफ करने के बाद फिर आपको क्या करना है, पानी से एकदम अच्छे से साफ कर देना है पूरा फॉर्क एकदम। उसके बाद क्या करना है, फ्रेश कपड़ा लेने के बाद अच्छे से जितना भी पानी रहेगा उसे आपको सुखा देना है, जरा सा भी पानी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम सुखा लेते हैं जितना भी पानी है, फिर आप लोग पानी जैसा कि देख पा रहे हैं हम सुखा लिए हैं फॉर्क का। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह का प्राइमर लेना है, ठीक है, मेटल वाला जो होता है गाइस, लोहा वाला जो प्राइमर होता है वो अलग होता है, और लकड़ी का जो प्राइमर होता है वो अलग होता है, जैसा कि देख पा रहे हैं, ठीक है। तो हम बर्जर कंपनी का प्राइमर लिए हैं, आप एशियन का भी प्राइमर ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बर्जर भी ऐसे बेस्ट कंपनी है, तो आपको अच्छा क्वालिटी का जो प्राइमर ले लेना है, ठीक है। ये रहा प्राइमर जो हमारा खुल चुका है, जैसा कि देख पा रहे हैं, फॉर्क में आपको जो है प्राइमर कर लेना है अच्छे से। तो चलिए फटाफट पहले हम प्राइमर कर लेते हैं। इस तरह से प्राइमर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, साइकिल कलर करने के लिए या फिर साइकिल का कोई भी पार्ट्स कलर करने के लिए या फिर लोहा का कोई भी चीज़ आप कलर कर रहे हो, ठीक है, इस तरह से आपको प्राइमर कर लेना। चलिए फटाफट प्राइमर करते हैं।
जैसा कि देख पा रहे हैं फॉर्क का जो प्राइमर है वो अच्छे से सूख गया है और ये हम दूसरा दिन वीडियो को शूट कर रहे हैं, ठीक है, प्राइमर को अच्छे से सुखाने के बाद। तो साइकिल हो या फिर साइकिल कोई भी पार्ट्स अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो प्राइमर करने के बाद अच्छे से आपको सुखा लेना है। फिर आपको क्या करना है, जो भी कलर आप करना चाहते हैं अपना साइकिल में हो या फिर साइकिल का पार्ट्स में हो तो आपको वो कलर ले लेना है। तो हम रेड कलर लिए हुए हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ठीक है, तो रेड कलर आपको ले लेना है या फिर आप जो भी कलर करना चाहते हो वो कलर ले लेना। तो हम रेड कलर लिए हैं तो आप ब्लैक भी कर सकते हैं। साइकिल में कलर करने से पहले आपको क्या करना है, ला लेना है कलर को। कई बार क्या होता है कि कलर नीचे बैठ जाता है, ठीक है, ये आपका जो ब्रश पेंट हो गया, ठीक है, ब्रश वाला कलर हो गया, तो इस तरह से पेंट को आपको अच्छे से एकदम मिला लेना है। तो हम ऑलरेडी पहले ही मिला चुके हैं। मिलाने के बाद आपको क्या करना है, डायरेक्टली पेंट करना है, ये देखिए इस तरह से। फटाफट कलर कर लेते हैं फिर आप लोग को दिखाते हैं और बताते हैं। तो गाइस आज जो है तीसरा दिन हो चुका है और जैसा कि देख पा रहे हैं फॉर्क में जो हम रेड कलर किए थे वो अच्छे से एकदम सूख गया है। करते हैं फिर इसमें जो है एक कलर और चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, रेड कलर ही, यानी डबल कोट करना पड़ता है। तो ये हम सिंगल कोट अभी तक किए हैं। तो चलिए पहले आप लोग को कलर का ग्लेजिंग दिखाते हैं सिंगल कोट में। जैसा कि देख पा रहे हैं सिंगल कोट में देखिए कलर का जो ग्लेजिंग होता है, जो शाइनिंग होता है, उस तरह से उभर के नहीं आया है। कैमरा में आप लोग को लग रहा होगा लेकिन जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ब्लैक टाइप का आपको दिख रहा होगा, ठीक, ये देखिए हल्का फुल्का ही सब जगह में, यानी जो है डबल कोट करेंगे तो ये पूरा कलर का शाइनिंग आ जाएगा और कलर भी बेहतरीन से लगेगा। चलिए डबल कोट करते हैं फिर आप लोग को दिखाते हैं और बताते हैं। सो गाइस वीडियो को बीच में रोकने के लिए माफी चाहेंगे आप लोग से, हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप हमारे चैनल में न्यू आए हैं और साइकिल रिलेटेड नॉलेज वीडियो हमेशा देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनको दिल से धन्यवाद करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने में आप लोग का 1 रुपया पैसा नहीं लगेगा, फ्री में हो जाएगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और अदर दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और एक चीज बताना चाहेंगे, हमारा एक ब्लॉग चैनल भी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हम अपना लाइफ स्टाइल के बारे में दिखाते हैं क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप ब्लॉग देखना पसंद करेंगे तो। हमारा गाइस कलर करने से पहले एक चीज हम आप लोग को दिखाना चाहेंगे, जैसा कि हम कलर किए तो बैक साइड में फॉर्क का जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए कितना सारा डॉट बना हुआ है। ये सब आपका डॉट नहीं है, ये आपका क्या है कि जो डस्ट होता है ना, कचरा वगैरह जो होता है वो गिर के इसमें जो है लग चुका है, ठीक है। कलरिंग करके हम टांग दिए थे तो ऐसा जगह हम टांगे जहाँ पर जो लोहा में रस्ट वगैरह लगा हुआ था, हम आप लोग को दिखाते हैं। देखिए जैसा कि देख पा रहे हैं स्पोक यहाँ पर टंगा हुआ, तो इसी जगह में जो हम टांग दिए थे तो ये सब जगह में आपको नहीं रखना है, नहीं तो जिस तरह से आपको हम दिखाएं उस तरह से ये प्रॉब्लम हो जाएगा आपका साथ में, आपका साइकिल का साथ में या फिर कोई भी स्पेयर पार्ट्स हो साइकिल का, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, फ्रेश करेंगे फिर कलर करेंगे। तो चलिए दोबारा कलर करते हैं आप लोग को दिखाते हैं। तो इधर में हमारा जो पेंट रखा हुआ है, ब्रश रखा हुआ है, तो चलिए कलर करते हैं। अभी इसमें कचरा वगैरह लगा हुआ था सारा एकदम क्लियर कर चुके हैं, अब चलिए कलर करते हैं। सो गाइस फाइनली हमारा जो है डबल कोट हो चुका है कलर, जैसा कि देख पा रहे हैं आप, चलिए सूखने देते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं डबल कोट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है कलर का, ये देखिए। और जैसा कि फ्रॉक का ग्लेजिंग आप लोग देख पा रहे हैं अभी, ठीक है, ये देखिए डबल कोट करने के बाद। तो आप लोग जब भी साइकिल अपना कलर कर रहे हैं तो डबल कोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो डबल कोट करके ही अपना साइकिल को अच्छे से कलरिंग कर ले इस तरह से, और कलर को अच्छे से आपको सुखा लेना है, ठीक है। तो जैसा कि देख पा रही है कलर भी हमारा एकदम अच्छे से सूख चुका है, ठीक है। तो ये हमारा चौथा दिन है, ठीक है, 4 डेज है। जैसा कि कलर का ग्लेजिंग शाइनिंग लाइटिंग अभी आप लोग देख पा रहे हैं, तो इसका देखिए शाइनिंग अभी कैसा है, ठीक है। लेकिन इसमें हम एक और चीज़ जो है यूज़ करेंगे, उसके बाद इसका शाइनिंग हम आप लोग को दिखाएंगे किस तरह से इसका शाइनिंग जो है उभर के आता है और फुल लाइट करेगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक तरह का पॉलिश हम यूज़ करेंगे, जैसा कि देख पा रहे हैं ब्रश में पॉलिश ले रहे हैं और ये देखिए पॉलिश का हम यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए अब कलर का जो शाइनिंग आप लोग देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए। तो आपको जो है पूरा में ये पॉलिश कर लेना है और उसके बाद इसका जो शाइनिंग आ जाएगा कलर का, बहुत ही गजब का एकदम लाजवाब आ जाएगा, देखने में एकदम फुल एकदम बेहतरीन लगेगा। तो चलिए पूरा में जो है हम ये शाइनिंग वाला पॉलिश को कर लेते हैं फिर आप लोग को दिखाते हैं और अच्छे से बताते हैं। फिर जैसा कि देख पा रहे हैं हमारा पॉलिश भी एकदम कलर में अच्छे से हो चुका है, आप चलिए इसे सूखने देते हैं फिर आप लोग को दिखाएंगे इसका ग्लेजिंग और इसका जो शाइनिंग है किस तरह से उभर के आ रहा है कलर में। इसमें हम कौन सा पॉलिश का यूज़ किए हैं वो भी आप लोग को बताएंगे। सो गाइस जैसा कि देख पा रहे हैं ये देखिए पॉलिश भी हमारा जो एकदम अच्छे से सूख गया है। चलिए फॉर्क को उतारते हैं इस जगह से,
ये देखिए फॉर्क जो है हमारा उतर चुका। अब चलिए इसका हम लाइटिंग आप लोग को दिखाते हैं, इसका शाइनिंग दिखाते हैं कलर का पॉलिश करने के बाद। जैसा कि देख पा रहे हैं ये देखिए शाइनिंग कितना ज़्यादा एकदम उभर के आया है पॉलिश करने के बाद। कौन सा पॉलिश हम इसमें यूज़ किए हैं चलिए आप लोग को दिखाते हैं और अच्छे से बताते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम एशियन कंपनी का पॉलिश का यूज़ किए हैं, ये रहा वो पॉलिश जैसा कि देख पा रहे हैं। तो यही पॉलिश का हम जो है यूज़ किए हैं और इसके बाद जो है कलर करने के बाद, ये पॉलिश करने के बाद कितना ज़्यादा कलर का शाइनिंग आ गया है आप लोग को हम अच्छे से दिखा दिए और बता दिए। तो जिस तरह से आप लोग को दिखाएं बताएं उस तरह से आप लोग को कर लेना, साइकिल हो या साइकिल का कोई भी पार्ट्स या फिर अदर कोई भी पार्ट्स हो। मैं आशा करता हूँ आप लोग को अच्छे से दिखा दिया हूँ, बता दिया हूँ कि साइकिल को कलर किस तरह से किया जाता है, साइकिल का कोई भी पार्ट्स हो। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ में। जय हिंद जय भारत।